नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल देहात पुलिस ने गुनगा थाना इलाके में एक पॉलिट्री फार्म पर छापेमारी कर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनमें एक महिला भी शामिल है। धरपकड़ के दौरान तीन लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 1 लाख रूपये नकद, ताश पत्ते, 3 कार और 6 बाइक जब्त की है। SP देहात लता किरकट्टा ने बताया कि करीब 2 बजे गुनगा में पचोरी क्रेशियर के पास एक पॉलिट्री फार्म में बड़े पैमाने पर जुआ खेले जाने की खबर मिली थी। सूचना की तस्दीक करने के बाद रात 2:30 बजे पॉलिट्री फार्म की घेराबंदी कर दी गई। इस दौरान 3 लोग वहां से भाग निकले। एक महिला सहित 16 आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 1 लाख रूपये नकद, ताश की 5 गड्डियां, 16 मोबाइल फोन, 3 कार, 6 बाइक बरामद की गई। पकड़े गए सभी आरोपित भोपाल के रहने वाले हैं। इनमें 34 वर्ष की महिला मालवीय नगर में रहती है। बताया जा रहा है कि BJP नेता जुए की फर चला रहा था। हालांकि फर संचालित करने वाला आरोपी गब्बर सिंह ठाकुर अपने अन्य 2 साथियों के साथ फरार हो गया। वह BJP युवा मोर्चा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुका है। मुझे लगभग 4-5 दिन पहले से एक मुख्य सूचना प्राप्त हुई थी कि गुनगा के कई क्षेत्र में जुआ चल रहा है। उस सूचना को मैंने अपने SDP को प्रस्तुत करने के लिए कहा था और लगभग हमको 4-5 दिन की मेहनत के बाद समझ पाया कि क्षेत्र एक जगह है जहाँ पर इस तरह का जुआ चल रहा है। और फिर एक प्लानिंग के तहत 2-3 थानों के स्टाफ को लेकर के SDP मंजू चौहान के द्वारा आज रात 2-2.5 बजे के बीच रेड डाली गई और उसमें लगभग 16 जुआरी थे जो भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों के थे, जैसे कि गुनगा का व्यक्ति था, शमशाबाद का था, टिटी नगर का था, हनुमानगंज का, निषादपुर का। इसमें एक महिला भी थी। इनके पास लगभग 1 लाख रुपए बरामद हुए और 4 मोटरसाइकिलें, 3 कार और 16 मोबाइल ये हमको पकड़ पाए हैं। अभी हम इसकी तस्दीक करा रहे हैं। ये सभी व्यक्ति या पूर्व कोई रिकॉर्ड है वो भी निकाल रहे हैं ताकि हम उसके अनुसार उनका चलान प्रस्तुत कर सकें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.